समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल, दबाए जा रहे हैं विरोध के स्वर। कोहली फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे माल्या, भारतीय टीम ने कन्नी काटी। किसान आंदोलन, मंदसौर में बवाल, गोलीबारी में गई दो की जान। बेनामी जमीन सौदा मामला, आयकर विभाग ने मीसा भारती को ताजा समन जारी किए। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की कोयला खान परियोजना में निवेश को अंतिम मंजूरी दी। शिवसेना की चेतावनी, किसानों की वेदना भाजपा के लिए तबाही का कारण बनेगी। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा, सहयोग की बजाय खतरा अधिक है पाकिस्तान। 7 भारतीय कंपनियों को 2016 में कम H-1B वीजा मिले। मिजोरम में राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन नाकाबंदी। परीक्षा में फेल छात्रों ने किया बिहार के आरा जंक्शन पर ट्रेन पर पथराव, 4 यात्री घायल। नीति आयोग ने कहा GST से 9% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मिलेगी मदद। और अमेरिका समर्थित सुरक्षा बलों ने रक्का पर नियंत्रण के लिए बड़े युद्ध का किया ऐलान। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। ताजा तरीन खबरों और जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए वेब दुनिया के साथ। लॉगिन कीजिए www.webduniya.com।